खाले बहुत सकती हो गई। अच्छा बता, मैं तुझे क्या बताने आई? मुझे क्या पता? सोच, इतनी जल्दी क्यों हार मान ली? सोच सोच, आप ही बता दो। तेरे लिए लड़का पसंद कर लिया। शर्मा गई? ऐसी बात सुनकर तो शर्माने का फैशन है। बिना बहुत अच्छा है। तो हैंडसम तो इतना है कि फिल्मों में आ जाए ना तो हीरो से छुप कर, और सच में कितना कि रोते हुए को हंसा दे और हंसते हुए को रुला दे। तो क्या बात कर रही है? तू उसे देखेगी ना, देखती रह जाएगी। एक बात कहूं बुआ, मैं ये शादी नहीं करूंगी। अविनाश से बिना मिले तू कैसे ये फैसला कर सकती है? अविनाश हो या सर्वनाश, मैं अनूप के सिवा किसी और से शादी नहीं करूंगी, और अनूप से तेरी शादी हो नहीं सकती। तो ठीक है, आप लोग मेरी शादी की बात भूल जाएंगे। ऐसे कैसे भूल जाए, सारी जिंदगी तुम्हारी बैठी रहेगी। क्यों नहीं रह सकती मैं? तू जिद कर रही है। जिद मैं कर रही हूँ या आप कर रहे हैं? क्यों अपनी पसंद मुझ पर थोप रहे हैं आप? गीता, हम तो तेरे भले के लिए ही सोच रहे हैं। एक बात बताओ बुआ, जब हम कोई सामान लेने जाते हैं तो उसे खुद पसंद किया जाता है या दूसरे पसंद करते हैं? खुद पसंद किया जाता है। तो फिर मेरे लिए पति चुनने का हक मुझे क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्योंकि पति और सामान में फर्क होता है। वाह हुआ वाह, बेजान सामान पसंद करने का हक है मुझे, लेकिन वो पति जिसके साथ मुझे सारी जिंदगी बितानी है वो मेरे लिए कोई और पसंद करेंगे। संगीता तुम जाकर कह दीजिए उनसे, मैं उनकी पसंद से शादी नहीं करूंगी।